हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मोहम्मद रियाज। आई एम फिजिक्स फैकल्टी ऑफ एआर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कुलाम के नियम पर कुछ आधारित प्रश्न अपने चल रहे हैं। कल कल भी मैंने आपको कुलाम के नियम पर कुछ आधारित प्रश्न करवाए थे, जिनमें मैंने आपको क्वेश्चन से दो करवाए थे। आज अपन उसके अगला क्वेश्चन मतलब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो भी कुलाम के नियम पर आधारित है। तो क्वेश्चन क्या है वो आपके सामने है। एक बिंदु आवेश 2 माइक्रोकुलाम और 2 माइक्रोकुलाम की आपको स्थिति दे रखी है, 2 मीटर, 1 मीटर, ठीक है। और एक आवेश Q2 is equal to है -5 माइक्रोकुलाम, दूसरा आवेश आपको दे रखा है, और उसकी जो स्थिति है वो कितनी है, -2 मीटर, 4 मीटर, ठीक है, पर अवस्थित है। अब आपको पूछा है Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करो। Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल याद करो। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। तो वो कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर एक आवेश यहाँ पे और दूसरा आवेश ये हो, इसका मैंने नाम Q1 रखा था, इसका मैंने नाम Q2 रखा था, और इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा इनके अलोंग होती है। जब ये आवेश इस आवेश पर बल लगाता है तो कितना लगाएगा, और ये आवेश जब इस आवेश पर बल लगाएगा तो कितना लगाएगा। अगर अपन कुलाम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करें तो अपन बल को सदिश रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि बल एक सदिश राशि है। बल की दिशा भी होती है, बल का परिमाण भी होता है। अब यहाँ पर अपन इसको किस तरह प्रदर्शित करेंगे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो Q1 है वो Q2 पे क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, क्योंकि दोनों ही आवेश कैसे है, धनात्मक है। तो इस F को प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, यह बल कौन से आवेश पे लग रहा है, दूसरे आवेश पे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, Q लिखूंगा। अब ये वाला बल कौन लगा रहा है, Q1 आवेश, तो मैं यहाँ पे Q1 लिखूंगा। तो ये होता है इसको सदिश रूप में व्यक्त करने का तरीका। F21 का मतलब क्या हुआ, दूसरे आवेश पर लगाया गया बल किस आवेश द्वारा, पहले आवेश द्वारा। वैसे ही यहां पर आप क्या लिखोगे, पहले आवेश पर लगाया गया बल किसके द्वारा, दूसरे आवेश के द्वारा, तो इसको मैं लिखूंगा F12। तो ये आपको याद होना जरूरी है, फिजिक्स में इनको इस तरह व्यक्त किया जाता है। F21 का मतलब होता है दूसरे आवेश पर लगाया गया बल, और 1 का मतलब होता है Q1 के द्वारा लगाया गया बल। अब F12 का मतलब क्या होता है, F12 का मतलब ये होता है पहले आवेश पर लगाया गया बल किस आवेश के द्वारा, दूसरे आवेश के द्वारा लगाए गए बल। तो इसको अपन F12 बोलते हैं, इसको अपन F21 बोलते हैं। अब आपको ये भी ध्यान है कि कुलाम के नियम में जब अपन दो बिंदु आवेशों के मध्य बल ज्ञात करते हैं तो दोनों बलों का परिमाण क्या होता है, समान होता है, और दिशा एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है। तो दिशा यहां पर आप देख पा रहे हो कि दोनों बल की क्या है, विपरीत है, लेकिन दोनों बल का परिमाण क्या आएगा, समान आएगा। अब आप क्वेश्चंस में आए तो क्वेश्चंस में अपन देख सकते हैं कि अपन को पूछा क्या है, F21 पूछा है कि F12 पूछा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करना है, इसका मतलब अपन को यहाँ पे F21 पूछा है। क्या पूछा है, F21। अगर आप यहाँ पर F21 को सदिश रूप में व्यक्त करो तो कैसे करोगे, F21 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिखोगे, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, R21 कैप लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे F21 आया, तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, R21 कैप लिखोगे। अब R21 कैप की डायरेक्शन, R21 कैप बताता क्या है, R21 कैप बताता है F21 की डायरेक्शन, क्योंकि बल कैसी राशि है, सदिश राशि, इसकी दिशा होती है। तो F21 की दिशा कौन बताएगा, R21 कैप बताएगा। अब आप देख पा रहे हो कि चित्र में जो F21 की दिशा है वह कहां से किस तरफ है, तो आप देख पा रहे हो कि जो F21 की दिशा है वह Q1 से Q2 की तरफ है। F21 की जो दिशा है वह Q1 से Q2 की तरफ है, इसलिए R21 की जो दिशा होगी, R21 की जो दिशा होगी
वो भी कहां से होगी, Q1 से Q2 की तरफ होगी, Q1 से Q2 की तरफ, इसलिए इसको अपन R21 कैप लिखते हैं। तो आप यहां पर एक चीज याद कर ले कि R21 कैप का मतलब क्या होता है कि पहले आवेश से दूसरे आवेश की तरफ इसकी दिशा है, किसकी, F21 की। लेकिन अगर अपन क्वेश्चंस पे ध्यान दे तो अपन को क्वेश्चंस में दो बिंदु आवेश दे रखे हैं जिसमें एक आवेश धनात्मक है जबकि दूसरा आवेश ऋणात्मक है। इसका मतलब ये पॉजिटिव तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब ये वाला बल, ये वाला जो आवेश है, इस आवेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। पहले वो पॉजिटिव था तो उसको प्रतिकर्षित कर रहा था, ठीक है। अब ये आवेश नेगेटिव हो चुका है तो आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आवेशों के मध्य आकर्षण का बल लगता है, इसलिए अब की बार जो F21 की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, इस तरफ। F21 की डायरेक्शन इस तरफ होगी, F21 की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, मतलब Q2 से Q1 की तरफ होगी, ठीक है। यह बात आपको याद रखनी है, अगर दोनों ही आवेश धनात्मक होते तो F21 की डायरेक्शन Q1 से Q2 की तरफ होती, लेकिन यहां पर Q2 क्या है, नेगेटिव है, इसलिए Q1 जो F21 की दिशा है वह Q2 से Q1 की तरफ होगी। अब यहां पर जो चेंजेबल होगा वो क्या होगा, अब यहाँ पे R21 नहीं आएगा क्योंकि F21 की जो दिशा वो किस तरफ है, Q2 से Q1 की तरफ है, और R21 का मतलब क्या होता है कि जो दिशा होती है वो 1 से 2 की तरफ होती है, लेकिन F21 की जो दिशा वो किस तरफ होगी, Q2 से Q1 की तरफ। तो आप यहाँ पे R21 न लिख के क्या लिखोगे, R12 कैप लिखोगे। ये बात आपको याद रखनी है। अब R12 कैप का मतलब क्या हुआ कि जो F21 की दिशा है वो Q2 से Q1 की तरफ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, R12 कैप लिखूंगा। इसकी दिशा क्या होगी, Q2 से Q1 की तरफ हो जाएगी, Q2 से Q1 की तरफ हो जाएगी, Q1 की तरफ है। तो ये बात अपन को याद रखनी है। अब आप यहां से क्या कर सकते हो, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो क्योंकि अपन को एग्जाम, अपन को क्वेश्चन में F21 पूछा है तो अपन यहां से F21 निकाल लेंगे। अब आपको पता है कि R12 जो कैप होता है वो क्या होता है, R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मोड होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे R12 लिखा हुआ है तो आप यहाँ भी क्या लिख सकते हो, R12 का स्क्वायर लिख सकते हो। R12 का मतलब क्या है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, तो अपन इसको R12 लिख सकते हैं ऐसे, R12, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, Q2 पर लगाया गया बल ज्ञात करेंगे किसके द्वारा, Q1 के द्वारा। तो अपन अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट अप करें तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर हो जाएगा, और R12 के की जगह क्या लगाऊंगा मैं, R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मोड हो जाएगा, ठीक है। अब R12 वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन, देखो यहाँ पे पावर कितनी है 1 और यहाँ पे पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा R12 का मोड, फिर पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और यहाँ पे इसको अपन क्या लिख सकते हैं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको अपन आगे सोल्व करते हैं, तो आगे सोल्व करने के बाद में अपने पास में रिजल्ट क्या आएगा वो देखिए आप। तो यहाँ पर R1 वेक्टर क्या है, अब आपको R1 वेक्टर दिया है, आपको R1 वेक्टर दिया है, आप R1 वेक्टर आप देख सकते हो। R1 वेक्टर का मतलब क्या हुआ, R1 वेक्टर का मतलब हुआ जो 2 माइक्रो कूलम का आवेश है उसकी मूल बिंदु से स्थिति है ये 2 मीटर, 1 मीटर, ये बताएगा x को, ये बताएगा y को। अब x को अपन क्या लिखते हैं, दिशा की फॉर्म में i कैप लिखते हैं, और 1 मीटर में क्या हो जाएगा, 1j कैप हो जाएगा, ये आपको आना चाहिए। i कैप का मतलब होता है x दिशा और j कैप का मतलब होता है y दिशा। इसी तरह आपको R2 वेक्टर दिया है, R2 वेक्टर यहाँ पे आओगे आप, -5 माइक्रो कूलम कहाँ पे स्थित है, 2 मीटर, 4 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, -2i कैप + 4j कैप हो जाएगा। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट अप कर सकते हो, तो F21 इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 10⁻⁹ हो जाएगी। मैंने आपको कहा था
कि अगर क्वेश्चंस में माध्यम की बात नहीं की गई है तो आप कौन सा माध्यम मानोगे, निर्वात या वायु। और निर्वात या वायु माध्यम के लिए k का मान कितना होता है, 9×10⁻⁹ होता है। ठीक है, q1 का मान ये रहा 2 माइक्रो कूलाम, तो ये माइक्रो कूलाम है। माइक्रो कूलाम को जब आप कूलाम में चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, 10⁻⁶ लिखोगे। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁶ कूलाम होता है। इसी प्रकार q2 को देखो कितना है, -5 माइक्रो कूलाम है, तो 5×10⁻⁶। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछोगे सर आपने माइनस क्यों नहीं लगाया, तो मैंने आपको कहा था कि बल के सूत्र में q1 को नेगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि अपन यहाँ पे जो भी मान ज्ञात करेंगे वो परिमाण के रूप में ज्ञात करते हैं। इसलिए परिमाण जब ज्ञात करते हैं बल का, तो बल के परिमाण में q1 q2 को नेगेटिव नहीं लेना है, दोनों को किस में लेना है, पॉजिटिव में लेना है। इसलिए मैंने -5 की जगह क्या लगाया, केवल 5 ही लगाया है। अब यहाँ पे आओ, r1 वेक्टर - r2 वेक्टर है, तो पहले r1 वेक्टर ये रहा कितना है, 2i कैप + 1j कैप - r2 कैप ये रहा कितना है, देखो ये माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2i कैप और ये हो जाएगा माइनस 4j कैप हो जाएगा अपॉन। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, r13 लिख दिया इसको मैंने, सॉरी r12 है ये। ठीक है, तो r12 वेक्टर का मोड फिर पावर कितनी लगी हुई है, 3। अब यहाँ पर क्या हुआ, दो आवेशों के मध्य की दूरी, अब दोनों आवेशों की आपको स्थिति दे रखी है, एक दे रखी है 2 मीटर, 1 मीटर और एक दे रखी है -2 मीटर, 4 मीटर। अब आपने मैथ में दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात की होगी, उसका सूत्र क्या होता है, √(x2 − x1)² + (y2 − y1)² तो आप यहां से क्या करोगे, इसको x1 मानोगे, इसको y1 मानोगे, इसको x2 मानोगे, इसको y2 मानोगे, x2 − x1। अब यहां पे x2 कौन है, -2 मीटर, तो -2 माइनस x1 कितना है, 2, इसका क्या जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 − y1, y2 कितना है, 4 है, माइनस y1 कितना है, 1 है, तो 1 का क्या जाएगा, स्क्वायर। और देखो पावर कितनी है, 3 है, तो मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे पावर 3 लगाऊंगा। ठीक है, तो इसको अपन आगे सोल्व करते हैं, तो आगे सोल्व करने के बाद में अपन को रिजल्ट क्या मिलेगा, तो आप देखो यहाँ पे 9×10⁻⁶ × 5×10⁻⁶ इंटू, अब यहां से क्या हो जाएगा, 2i k + 2i k कितना हो जाएगा, 4i k हो जाएगा। ठीक है, और 1j k - 4j k कितना हो जाएगा, -3j k हो जाएगा अपॉन। अब देखो -2 - 2 कितना होगा, -4 होगा, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 16, प्लस 4 - 1 = 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, तो देखो 10⁻⁶ 10⁻⁶ हो गया, 10⁻⁰ 10⁻⁹ कितना हो जाएगा, तो 9×2×5×10⁻⁶, ये -12 ये 9, तो यहाँ पे बचेगा 10⁻³ बच जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या लिखा हुआ है, 4i k - 3j k अपॉन 16 + 9 = 25, 25 का रूट कितना होता है, 5, फिर 5 का क्यूब हो जाएगा, और 5 का क्यूब कितना, फिर लिख देता हूँ 5 का क्यूब हो जाएगा। अब ये लास्ट में आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो यहां से जो आंसर आएगा वो कितना होगा, देखो 5 × 2 कितने होते हैं, 10, तो 9×10 और ये 10⁻⁶ कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे 4i k - 3j k अपॉन 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो ये जो आपके पास में आया, ये क्या आया है, F21 वेक्टर आया है, ये क्या है आपके पास में, F21 वेक्टर। और F21 वेक्टर का मतलब समझ गए ना, दूसरे आवेश पर लगा बल किस आवेश ने लगाया, पहले आवेश ने लगाया, तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू ये आ गया। अगर आपको एग्जाम में Q1 पर Q2 द्वारा पूछता तो आप क्या करते, F12 लगाते और यहाँ पे क्या लगा देते, माइनस लगा देते, क्या लगा देते, माइनस, बस प्लस माइनस का फर्क होता, और प्लस माइनस क्या बताएगा, दिशा बताएगा, क्या बताएगा, केवल दिशा बताएगा, बाकी बल का परिमाण क्या आएगा, समान आएगा।
तो ये एक क्वेश्चन था जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो पूरे 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। और याद रखना, बल निकालो, कुछ भी निकालो, चाहे आवेश निकालो चाहे दूरी निकालो, उनके मात्रक लगाना बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चंस आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।